हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय 9 का पार्ट नंबर 4 के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों पार्ट में हमने 2 नंबर वाले प्रश्नों पर अच्छे से बात कर ली है, कंप्लीट कर ली है। आज की इस क्लास में मैं आपको बड़े प्रश्न यानी कि 6 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो टोटल मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाला हूं। तीनों में से बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो तीनों ही प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, तैयारी करना है, बार-बार प्रैक्टिस करके जाना है। तो बिल्कुल पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आज की इस क्लास को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था उस मिशन का नाम क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023। और आप लोगों को मैं कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण। ये होने वाला है भाग 5 और ये जो भाग 5 है वो इस अध्याय का अंतिम भाग होने वाला है। तो ये जो अध्याय 9 है जो सबसे ज्यादा लेंथी था, इसको हमने पार्ट 5 तक इसको कंप्लीट किया हुआ है। पांचों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सीधा पार्ट नंबर 5 में आया है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पहले आप जाओ पार्ट नंबर 1 पर, पहले पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 में आओ, फिर पार्ट 3 में आओ, फिर पार्ट 4 में आओ, फिर अंतिम में आओगे पार्ट 5, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला। बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमने सभी सूत्रों को एक ही जगह पढ़ लिया, बिल्कुल उन सूत्रों को याद करके आओगे तभी आपको बाकी के पार्ट जो है समझ में आने वाले हैं। चलिए, तो 6 अंक आज ही पक्के करेंगे हम। ये प्रश्न हर साल आते हैं, जो मैं आपको 3 प्रश्न कराने वाला बच्चों, वो तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न बिल्कुल आने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले क्लास में बताया था कि जो 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो अथवा में होते हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो आपके त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकरण से आता है। आज जो मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके अथवा में एक प्रश्न और रहेगा जो कि आपके आएंगे अध्याय 10 से। कहां से आएंगे? अध्याय 10 से आएंगे। अध्याय 10 में एक ही क्वेश्चन करता है जो कि 6 नंबर के लिए होता है, और अध्याय जो 9 है इसमें भी एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 6 नंबर के रहेगा। तो दोनों अध्याय से 6-6 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे, दोनों में से किसी एक का ही हमें आंसर लिखना होगा। बिल्कुल, तो आज की इस क्लास में हम 6 नंबर पक्के करने वाले हैं। पार्ट नंबर 5 में हम 6 नंबर अपने पक्के करने वाले हैं। बिल्कुल आ जाओ, देखिए, तो हमने तो सब फार्मूला वगैरह सब एक जगह लिखवा लिए हैं, सब चीज एक जगह याद कर लिए हैं। तो सीधा हम जाना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, खूबसूरत सा जो नजर आ रहा है, आना है आपके बोर्ड पर। देख लो पूछा कब गया, देख लो दो बार पूछा गया, दो बार छत्तीसगढ़ 2017 सेट ABC तीनों सेट में पूछा गया था। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब कि ये तीनों सेट में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ 2017 सेट ABC में, और 19 में फिर से इसको रिपीट किया गया 2 साल बाद ABC में। तीनों सेट में पूछा गया, 2 बार अभी तक आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा कर रखना, 10 स्टार, कितना 10 स्टार लगा कर रखना इसको। बिल्कुल आ जाओ, देखो समीकरण को हल करना है। यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया, इस समीकरण को हमें हल करना है। cos थीटा बटे में क्या दिया होगा, cosec थीटा प्लस 1, फिर प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हमें सर हल करना है, हमें मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ज्ञात करेंगे सर, देखो कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है। बिल्कुल देखो अब इसको लिखेंगे कैसे कि हमें 6 में 6 अंक मिले। बिल्कुल एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहां पर हम सबसे पहले लिखे हल, क्या लिखे सर, हल लिखे, देखो ठीक है। चलो बोला गया था कि समीकरण को हल करना करके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दिया है समीकरण। जो हमें समीकरण दिया है उस बात को हम यहां पर एक बार लिखना चाहेंगे। हमें जो समीकरण दिया सर, वो दिया गया है कि cos थीटा अपॉन में है ये cosec थीटा प्लस 1, फिर प्लस दिया गया है, फिर ये है cos थीटा, अब बटे में क्या दिया सर, ये दिया हुआ है cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये सर हमें दिया, बिल्कुल ये हमें दिया हुआ। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मुद्दा ये सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ही लाइन में आपको दिख गया कि सर यहां पर cos थीटा, यहां पर भी cos थीटा है, दोनों में ऊपर में क्या है cos थीटा है, दोनों जगह से मैं cos थीटा को कॉमन निकाल लूंगा सर। बिल्कुल निकाल लो, आ जाओ देख लो, पहला लाइन क्लियर है, cos थीटा को हमने निकालने वाले हैं कॉमन। बिल्कुल cos थीटा को मैं यहां से निकाल लिया कॉमन, तो यहां पर अब क्या बचेगा, तो cos थीटा को हमने यहां पर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, अब ऊपर में बच जाएगा 1, क्या 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे में,
बटे को कोई हमने चेंज नहीं किया, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का वन हो चुका, बिल्कुल। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस, प्लस की जगह मैंने लिखा प्लस, कॉस थीटा को हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर अब क्या बच जाएगा सर, एक बच जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा एक, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये कॉसेक थीटा, फिर ये माइनस का वन हो जाएगा, ब्रेकेट करो क्लोज, बराबर के बाद दो दिया था, बराबर के बाद दो को चिपका दो, बिल्कुल सर दोनों लाइन अच्छे से हमें क्लियर हो चुके हैं। देखो अब आगे देखो, बराबर देखो, अब आगे इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉस थीटा को फिलहाल अभी आप कोई चेंज मत करो, इसको एज इट इज लिखो। यहां पर देखो इन दोनों में कॉसेक थीटा प्लस वन और कॉसेक थीटा माइनस वन में लघुत्तम क्या आएगा, यही आएगा, तो नीचे को हम एज इट इज लिखेंगे। देखो बड़ा सा मैंने पहले बटा का चिन्ह लगाया, फिर ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का वन, फिर इंटू लगाएंगे, ये हो जाएगा सर कॉसेक थीटा माइनस का वन हो चुका है, ये वन, ठीक है, ये हमारा हो चुका सर लघुत्तम, बिल्कुल ये लघुत्तम हो चुका। उसके बाद क्या करेंगे, कॉसेक थीटा माइनस वन का गुणा करेंगे एक से, तो हमें यही मिल जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का वन, फिर कॉसेक थीटा प्लस वन का गुणा करेंगे एक से, तो हमें यही मिल जाएगा। यहां पर क्या चिन्ह दिख रहा है सर, प्लस का चिन्ह दिख रहा है, प्लस उतार दो, कॉसेक थीटा प्लस वन का गुणा करेंगे सर एक से, कर दो, दिक्कत क्या, कर दो, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का वन हो चुका, ब्रेकेट को करो क्लोज, बराबर के बाद सर दो भी दिया है, दो को भी चिपका दिए, बोलो तीन लाइन अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल तीन लाइन अच्छे से हमें क्लियर हो चुके। देखो फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया हुआ है, कॉस थीटा को कॉमन निकाला हुआ है, सेकंड लाइन में हमने इसको लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पर लघुत्तम निकाला हुआ है और त्रिज्या गुणा कर दिया, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर। अब देखो आगे देखो, चलो आ जाओ अब बढ़ते हैं आगे, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मुद्दा यह सर कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बराबर कॉस थीटा को तो कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉस थीटा को तो अभी फिलहाल मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया। अब देखो यहां पर खेल यहां पर होने वाला, क्या खेल होने वाला है, ये ऋण एक और ये धन एक को निपटा दोगे सर, बिल्कुल निपटा दो। अब देखो यहां पर ये कॉसेक थीटा, यहां पर भी कॉसेक थीटा है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि धन का चिन्ह है, तो एक कॉसेक थीटा और एक कॉसेक थीटा दोनों जुड़कर दो कॉसेक थीटा हो जाएगा, बिल्कुल, तो चिपकाओ यहां पर, ये हो जाएगा सर दो कॉसेक थीटा, बटे में क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का यहां पर फॉर्मूला लगने वाला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है, तो यहां पर सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं। देखो आ जाओ, देखो कौन सा हम फॉर्मूला यूज करने वाला, चूंकि चूंकि ए प्लस का बी फिर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए की जगह आपको दिख रहा है कॉसेक थीटा और बी है, तो यहां पर बी की जगह सर दिख रहा है हमें क्या, एक दिख रहा है, तो यहां पर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह चिपकाना है कॉसेक थीटा को और बी की जगह चिपकाना है एक को, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का वर्ग करेंगे तो वन ही आएगा, तो हमें यहां पर डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सर ये मिल चुका वन, क्या मिल चुका सर, वन मिल चुका। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, बराबर के बाद दो भी दिए थे ना, बराबर के दो को मैंने उतार दिया। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, तो कॉस थीटा को हमने एज इट इज लिखा, कॉस थीटा को हमने एज इट इज लिखा। अब देखो आगे, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, टू कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा को हमने कोई चेंज नहीं किया, हमें मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। याद कीजिए मैंने आपको, आपको नौ त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में बताया हुआ फर्स्ट क्लास में ही, इसमें से ये एक नंबर का दिया हुआ था। देखो कौन सा फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया हुआ, चूंकि चूंकि हम यूज किए हुए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। याद कीजिए बच्चों मैंने ये फॉर्मूला बिल्कुल लिखवाया हुआ था, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले आप पार्ट नंबर एक का वीडियो देख कर आएंगे, तभी आपको पार्ट दो, पार्ट तीन, पार्ट चार और पार्ट पांच जितने भी अदर पार्ट है वो समझ में आने वाला है। अगर पार्ट वन आपको अच्छे से समझ में आया, जितने फॉर्मूले मैंने बताए वो अच्छे से समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो बिल्कुल त्रिकोणमिति आपके लिए हलवा होने वाला, बिल्कुल कुछ भी दम नहीं है इसमें, कुछ भी दम नहीं है। आ जाओ बराबर के बाद दो भी दिए थे, इसको भी लिखेंगे बराबर के बाद दो, बराबर के बाद यहां पर दिया हुआ था सर दो, बिल्कुल चिपका दिए। अब देखो आ जाओ सर, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, देखो यहां पर मैं इस दो को पहले लिख लिया, इस दो को मैंने पहले लिख लिया, बिल्कुल दो को पहले लिख लिया। अब देखो यहां पर मैं कॉस थीटा को भी मैंने एज इट इज लिखा, अब यहां पर कॉसेक, तो साइन और कॉसेक में रिलेशन बनता है, साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं एक बटा साइन थीटा, तो बटे में लिखना है, तो बटे में मैं सीधा लिख देता हूं साइन थीटा, क्या हो चुका सर साइन थीटा हो चुका, बटे का यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिखो, ये हो चुका
अल्फा कॉट स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया हुआ है, इस बात को हम यहां पर मेंशन करेंगे। देखो चूंकि कौन सा फॉर्मूला कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा होता है बिल्कुल। बराबर के बाद दो को बोलना बिल्कुल नहीं है, बराबर के बाद क्या दिया होता सर, ये दो दिया होता, दो हमने लिख दिया। अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बराबर। अब देखो तो टू हमें पता है कि सर कॉस और साइन का अनुपात, कॉस और साइन का अनुपात जो होता है वो कॉट में बदलता है किसमें, तो कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा ये बदल जाता है सर कॉट थीटा में, किसमें बदल गया सर कॉट थीटा में बदल गया, और नीचे में आ चुका ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू। अब देखो हमने यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के बारे में भी मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था सर, क्या कि cot थीटा इज इक्वल टू ये होता है सर cos थीटा डिवाइडेड बाय ये होता है sin थीटा, बिल्कुल ये फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है सर। देखो देखो इतना करते ही आपके दिमाग में एक चीज ख्याल आ जाना चाहिए, क्या ये एक cot थीटा और यहां का एक cot थीटा कैंसिल हो चुका, तो हमें यहां पर क्या मिला, देखो ये दो से मैं ये दो भी कैंसिल कर देता हूं, ये दो से ये दो भी मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिल चुका वन, बट देखो एक cot थीटा कैंसिल हुआ है तो एक cot थीटा अभी भी बचा हुआ है, बराबर के बाद यहां पर आ चुका सर वन, क्या आएगा वन आएगा, दो को मैं इधर पक्षांतर करूंगा गुणा वाला जाता भाग में तो दो बटा दो आता, दो को दो से भाग देते तो हमें क्या मिलता सर एक मिलता, क्या मिलता सर एक मिलता, बिल्कुल यहां पर आ चुका एक। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो अब एक बटा कॉट थीटा, टेन और कॉट में मैंने रिलेशन बताया हुआ था कि एक बटा टेन थीटा बराबर क्या होता है सर कॉट थीटा होता है, क्या होता है एक बटा कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो इसके जगह अब मैं क्या लिख दूंगा टेन थीटा लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दो आजा देख लो। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां पर यह हो चुका सर टेन थीटा इज इक्वल टू वन हो चुका, कौन सा फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया हुआ है, चूंकि चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है वन अपॉन कॉट थीटा, वन अपॉन कॉट थीटा, यह फॉर्मूला के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ पहली क्लास में। चलो अब आगे इसको क्या सोल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, देखो टेन थीटा, टेन थीटा को पहले लिख लो बराबर, बराबर के बाद आ जाओ थोड़ा सा दो मिनट सेकंड दो सेकंड रुकने की जरूरत है। देखो अब क्या कर सकते हैं, यहां पर सर टेन में दिया हुआ है तो इसको भी मैं एक को टेन बदलने की कोशिश करता हूं, तो हमें अब याद करना है त्रिकोणमिति अनुपात वाला टेबल, क्या टेबल याद करना है, तो आपको सोचना है कि सर टेन कितने अंश का जो मान होता है वो एक होता है, टेन कितने अंश का जो मान होता है वो एक होता है, तो आपको बच्चों याद होना चाहिए कि सर टेन 45 अंश का जो मान होता है ना वो एक होता है, तो एक की जगह मैंने यहां पर चिपका दिया सर टेन 45 अंश, टेन को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर भी टेन है यहां पर भी टेन है, दोनों आपस में कैंसिल होने वाले हैं, तो हमें हमें यहां पर थीटा इज इक्वल टू मिल चुका सर 45 अंश मिल चुका, यही अभीष्ट उत्तर है, यही अभीष्ट हल है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था ना समीकरण को हल करने के लिए, तो वहां पर हमने समीकरण को हल किया तो थीटा बराबर हमें मिल चुका सर 45 अंश, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला बिल्कुल। अब देखो इस बात को हम लिखेंगे कैसे, तो यहां पर हम लिखेंगे यही अभीष्ट हल है, यही अभीष्ट हल है, ये है हमारा फाइनल आंसर जो आपको 6 में से 6 अंक दिलाने वाली है। क्या रखा है इस क्वेश्चन में, क्या रखा है, नहीं इतना इजी क्वेश्चन है, दो दो बार पूछा गया है, 10 स्टार लगाकर रखना, बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला 10 स्टार, ठीक है, कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, 6 से 7 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया, कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल देखो थीटा बराबर आ चुका 45 अंश, कहीं पर भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 2 देखो इस प्रकार से दिखने वाला है, पूछा कब गया सर, पूछा गया 2018 सेट ABC तीनों में पूछा गया था, तो इसके भी आने के चांसेस बनते हैं, इसको भी 10 स्टार लगा के रखना बिल्कुल। देखो फिर वापस से वही कहानी की हमें सिद्ध करना, बिल्कुल सिद्ध करना, आज देख लो, देखो सबसे पहले यहां पर लिखो हल, लिखा सर हल, फिर क्या करेंगे हमें सिद्ध करना है, तो इस बात को हम पहले लिखना चाहेंगे, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बिल्कुल सिद्ध करना है, चलो क्या सिद्ध करना है एक बात हम यहां पर लिखेंगे, तो हमें जो सिद्ध करना है वो है साइन थीटा बटे में क्या दिया सर, ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस है, फिर दिया हुआ सर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर डिवाइड में क्या है सर, ये दिया हुआ है साइन थीटा, बराबर के बाद क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है 2 cosec थीटा, ये हमें दिया हुआ है सर, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब यहां पर हमें सिद्ध करना, बिल्कुल
इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, मान ज्ञात करना था, ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना था, यानी कि समीकरण को हल करना था, यहां पर सिद्ध करना, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड हम ला देंगे। बिल्कुल देखो, सिद्ध करने वाले में एक अच्छी बात यह होती है कि हमें प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मालूम होता है। यह है हमारा प्रश्न और यह हमारा उत्तर आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड बिल्कुल मिलने वाला। बिल्कुल देखो, तो सबसे पहले आप उतार लो लेफ्ट हैंड साइड को, तो एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे का वन प्लस कॉस थीटा को एज इट इज, लिख लो सर, बिल्कुल लिख लिए, प्लस है तो प्लस, फिर ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड में क्या है सर, ये दिया हुआ है साइन थीटा, बिल्कुल उतार लो इसको, साइन थीटा हो चुका। चलो सर, अब इसको आगे कैसे हल कर सकते हैं, तो आगे हल करने के लिए देखो दो भिन्न है, दोनों में लघुत्तम वन प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा आ जाएगा, दोनों को हमें एक साथ बस लिखने की जरूरत है, ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम, ठीक है। तो ये हो चुका वन प्लस कॉस थीटा सर, वन प्लस कॉस थीटा हुआ इंटू साइन थीटा को भी उतार लो इंटू में साइन थीटा, ये हो चुका हमारा सर लघुत्तम, क्या हो चुका, लघुत्तम हो चुका। अब साइन थीटा का गुणा करूंगा मैं साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन थीटा कोई नहीं बोलेगा, जब गुणा करते हैं तो स्क्वायर में लगता है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो चुका, प्लस है तो प्लस चिपका दिया सर। अब यहां पर देखो वन प्लस कॉस थीटा का गुणा, वन प्लस कॉस थीटा का गुणा, इस वन प्लस कॉस थीटा का गुणा हम करेंगे इस वन प्लस कॉस थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल सर ये कहानी भी अच्छे से क्लियर है। चलो एक स्लाइड एड करते हैं और उस पर इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब आगे देखो। चलो तो अब हम इसको क्या हल कर सकते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा को तो कोई चेंज नहीं कर सकते, अभी फिलहाल इसको कोई चेंज नहीं कर सकते, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा चुका। अब यहां पर देखो प्लस है तो प्लस का पहले चिन्ह लगाओ, देखो ठीक है, चलो आ जाओ देखो अब क्या कर सकते हैं। देखो तो एक का गुणा इन दोनों पदों के साथ होगा, एक का गुणा इन दोनों पदों के साथ और कॉस थीटा का भी इन दोनों पदों के साथ हम गुणा करने वाले हैं, या फिर चाहो तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां पर ए वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लग जाएगा, वहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर इसको डायरेक्टली बना सकते हो कि एक का गुणा इन दोनों पदों के साथ कर देंगे और कॉस थीटा का भी इन दोनों पदों के साथ हम करने वाले हैं गुणा, तो मैं गुणा करके इसको बनाऊंगा भाई। बिल्कुल देखो, तो पहले मैं एक का गुणा करूंगा एक से, तो एक एकम एक ही मिलने वाला है, एक एकम एक ही मिलने वाला, प्लस का तो प्लस, देखो एक का गुणा करेंगे कॉस थीटा से तो हमें कॉस थीटा ही मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल चुका, ठीक है। यहां पर प्लस प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का गुणा करेंगे एक से तो हमें क्या मिलेगा सर, ये प्लस का कॉस थीटा ही मिलेगा, कॉस थीटा मिल चुका, ठीक है। फिर प्लस कॉस थीटा का गुणा करेंगे प्लस कॉस थीटा से तो टू कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो प्लस का ये हो चुका सर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल चिपका दो, ब्रैकेट को कर दो क्लोज। और नीचे में भी कुछ दिया हुआ था, नीचे में क्या था, तो नीचे में था ये वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इनटू में था ये साइन थीटा, बिल्कुल सर ये हो चुका साइन थीटा बराबर, देखो बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है और यहां पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो दोनों को मैं एक जगह लिखना चाहूंगा ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या क्या बच चुका है, तो प्लस है तो प्लस, यहां का वन बच चुका है। अब देखो ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा दोनों धन में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा दो कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, दो कॉस थीटा हो चुका। बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे को उतार दो, बटे को एज इट इज लिख दो बटे, तो ये है वन प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू में क्या दिया है, इंटू में दिया होगा सर ये साइन थीटा, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है। हाँ चलो बता बच्चों अब क्या कर सकते हैं, तो पहले ही लाइन में मुझे दिख गया सर यहां पर फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला को पहले मैं लिख देता हूं, देखो देखो इधर देखो, चलो बताओ। तो सबसे पहले नंबर का हमारा फॉर्मूला त्रिकोणमिति सर्वसमिका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये फॉर्मूला तो सब बच्चों को रटा गया होगा सर, ये एक होता है, क्या होता है, एक होता है, बिल्कुल एक होता है। देखो अब देखो, तो इसके जगह मैंने लिखा एक, फिर यहां पर ये धन एक लिखा जाएगा और क्या दिया हुआ था सर, हमें दिया हुआ था दो कॉस थीटा, दो कॉस थीटा को भी मैंने लिख लिया। नीचे में क्या है, तो नीचे में भी बचा हुआ वन प्लस का कॉस थीटा, फिर इंटू में क्या बचा हुआ, इंटू में बचा हुआ सर ये साइन थीटा, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर हो चुका। बिल्कुल देखो
अब आगे इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देखो यहां पर ये वन है और ये वन है, एक और एक दोनों को जोड़ देंगे तो हमें दो मिल जाएगा क्या सर? बिल्कुल दो मिल गया, दो धन ये हो जाएगा दो कॉस थीटा, दो कॉस थीटा हो चुका। नीचे में क्या बच गया है? तो नीचे में बचा हुआ वन प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या है सर? ये है साइन थीटा। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। अब क्या कर सकते हैं सोचो बच्चों, अब क्या कर सकते हैं बताओ, आगे हम क्या करेंगे? देखो यहां पर दो दिख रहा है, यहां पर भी दो दिख रहा है, दोनों जगह से मैं दो कॉमन निकाल लूं कैसे? बिल्कुल निकाल लो। देखो दो मैं यहां पर कॉमन निकालने वाला, देखो मैंने दो को कॉमन निकाला तो दो को कॉमन निकालेंगे। यहां से जब हम दो को कॉमन निकालेंगे तो जीरो नहीं एक बचेगा, ध्यान रखना एक बचेगा। कॉमन निकालते हैं तो कुछ नहीं मतलब कि एक बचता है, तो यहां पर यह हो जाएगा वन प्लस है तो प्लस, दो को हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया सर, तो यहां पर क्या बचा? ये बच चुका है कॉस थीटा, ब्रेकेट को करो क्लोज और नीचे में बचा हुआ था वन प्लस का कॉस थीटा और इनटू में ये साइन थीटा भी था, बिल्कुल साइन थीटा को हमने चिपका दिया सर। देखो यहां पर सर वन प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, यहां पर भी वन प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, दोनों को निपटा दो सर, बिल्कुल निपटा दो, तो ये हो जाएगा दो बटा साइन थीटा, दो बटा सर हमें मिल चुका साइन थीटा हमें मिल चुका। देखो दो को लिखे इंटू लगाए, अब देखो यहां पर थोड़ी देर रुकना है दो सेकंड के लिए और सोचना है, साइन और कौशक में रिलेशन बनता है क्या सर? साइन और कौशक में रिलेशन बनता है क्या सर? बिल्कुल बनता है। साइन और कौशक जो होता है वो दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो वन अपॉन साइन थीटा दिया, इसके जगह मैं लिख सकता हूं कौशक थीटा। कौन सा फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया हुआ है, इस बात को मैं यहां पर मेंशन करना चाहेंगे। चूंकि चूंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सर ये होता है वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा होता है, हमने इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है। अब देख लेते हैं कि हमें प्रूफ का क्या करना था, तो हमें सिद्ध करना था टू कॉसेक थीटा, और हमारा जो आंसर आया है वो भी क्या आ चुका है सर? टू कॉसेक थीटा आ चुका है, यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल किया तो हमें राइट हैंड साइड बिल्कुल सर मिल चुका है। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है कैसे? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमें मिल चुका है राइट हैंड साइड, क्या मिल चुका सर? राइट हैंड साइड मिल चुका, यही सिद्ध करना था। लास्ट लाइन अपने आंसर को लिखो, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अभी तक मैंने आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिया जो कि छह नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। 10 स्टार लगाकर रखना, 10 स्टार बिल्कुल, चलो कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं था। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का, इस वीडियो का, हर प्रकार से ये लास्ट होने वाला है। पूछा कब गया था? पूछा कब गया है? 2017 सेट ए बी सी तीनों सेट में पूछा गया है। इसको भी आप 10 स्टार लगा कर रखना, कितना? 10 स्टार लगा के रखना, बिल्कुल आ जाओ। हाँ क्या बोला है देखो, चलो पढ़ते हैं। यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये देखो यहां पर थोड़ा चेंज करना, ये बी स्क्वायर होगा ना, ये बी स्क्वायर होगा, दोनों एक जैसे कैसे होंगे भाई? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टू ए स्क्वायर हुआ था ना, यहां पर ये ए स्क्वायर नहीं ये बी स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन को सुधार लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्रूफ करके दिखाना, बिल्कुल सर कर देंगे। देखो आ जाओ, तो सर हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखें कि हमें 6 में 6 अंक मिले? बिल्कुल अब मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका, बिल्कुल आ जाओ देख लो। सबसे पहले यहां पर चिपकाओ हल, चिपका दिया। हमें यहां पर दो समीकरण दिख रहे हैं और हमें यह सिद्ध करना है, तो इसी बात को पहले हम लिखना चाहेंगे। देखो कैसे लिखूंगा मैं, तो दिया है समीकरण करके मैं लिखूंगा, दिया है समीकरण, चलो दिया है समीकरण, बिल्कुल दिया है समीकरण, क्या समीकरण दिया है? तो x इज इक्वल टू हमें दिया गया सर a cos थीटा, फिर माइनस में दिया हुआ है b sin थीटा, ये हमें समीकरण दिया गया एक, इसको चलो मैं समीकरण नंबर एक ले लेता हूं, समीकरण नंबर मैंने एक ले लिया, बिल्कुल सर। दूसरा नंबर में हमें दिया गया था y बराबर, दूसरा नंबर का जो समीकरण वो क्या है? a sin थीटा, a sin थीटा प्लस है तो प्लस, फिर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ सर b cos थीटा, चलो इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर दो, क्या ले लिया सर? समीकरण नंबर दो हमने इसको ले लिया, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी क्लियर है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है, तो इस बात को भी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चलो क्या सिद्ध करना है? इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, क्या सिद्ध करना सर? हमें सिद्ध करना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सर, ये हमें सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हमें प्रूफ कर दिखाना, बिल्कुल हम प्रूफ कर देंगे। देखो
ये तीन लाइन आपके अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तीन लाइन हमने किया क्या है, जो दिया है दो समीकरण उसको हमने मान लिया, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करके दिखाना। बिल्कुल सर कर देंगे। देखो अब सिद्ध कैसे करेंगे, मुद्दा यह है कि सिद्ध कैसे करेंगे। देखो तो बच्चों आप अपनी नजर इस पर दौड़ाइए जो हमें सिद्ध करना, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये दिया हुआ, देखो यहां पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो समीकरण एक और दो में देखिए यहां पर मुझे एक्स वाई दिख रहा है, ये एक्स वाई है और यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दिया गया। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण एक का वर्ग करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, समीकरण दो का वर्ग करूंगा तो मुझे इधर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो जो मुझे सिद्ध करना उसका मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर का। मैं क्या करने जा रहा हूं, जो सिद्ध करना उसको मैंने देखा, तो समीकरण एक और समीकरण दो को मैं क्या करूंगा वर्ग के जोड़ दूंगा तो मुझे जो सिद्ध करना है उसका मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है कि सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। हाँ तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण एक का वर्ग करने पर इस बात को हम यहां पर लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, चलो बताओ क्या मिलेगा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग किया तो सर ये मिल चुका एक से स्क्वायर, क्या मिल चुका एक से स्क्वायर मिल चुका, बराबर तो बराबर मैंने लगा दिया। देखो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी, फिर क्या दिया हुआ था साइन थीटा, पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये पूरे का क्या हो चुका सर, ये वर्ग हो चुका। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला यहां पर फॉर्मूला लगने वाला, बिल्कुल लगा दो, ए माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। यहां पर मैं इस बात को पहले लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूला, चूंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये होता माइनस टू ए बी। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करने वाले, बिल्कुल कर देंगे सर। देखो आ जाओ, देखो तो अब क्या हो जाएगा, देखो एक से स्क्वायर को मैंने कोई चेंज नहीं किया, एक से स्क्वायर को मैंने कोई चेंज नहीं किया। देखो ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू, तो a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। तो a की जगह आपको चिपकाना है a cos थीटा को और b की जगह से आपको चिपकाना है ये b sin थीटा को, बिल्कुल सर चिपका देंगे। तो सबसे पहले क्या था ए स्क्वायर और ए की जगह ये पूरा मान होगा, ये पूरा ए cos थीटा होगा, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, बिल्कुल दोनों का स्क्वायर हो जाएगा सर। वहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। प्लस दिख रहा है, प्लस चिपका, फिर बी स्क्वायर है और बी की वैल्यू ये पूरा वैल्यू है बी साइन थीटा है, तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो चुका, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी क्लियर है। फिर माइनस टू ए बी है तो माइनस लिखो टू, ए की वैल्यू क्या है सर, ये है ए, ए कॉस थीटा और बी की वैल्यू क्या है सर बी साइन थीटा आएगा, तो इसमें ए भी आएगा और ये बी भी आएगा, दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया तो ये हो जाएगा ए बी। फिर क्या था यहां पर साइन थीटा को, चलो मैंने पहले लिख लिया साइन थीटा को पहले लिख लिया, फिर आने वाला था कॉस थीटा, कॉस थीटा को भी मैंने लिख लिया। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होने वाली है। चलो इसको मान लो समीकरण नंबर चार, क्या दे दो समीकरण नंबर चार दे दो, बिल्कुल समीकरण हमें चार, समीकरण चार क्यों, समीकरण तीन होगा ना, दो के बाद तीन ही आएगा ना, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर तीन। क्या मिल चुका, समीकरण एक दो और हमें ये तीन समीकरण मिल चुका, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण का दो का वर्ग करेंगे, समीकरण दो का वर्ग करने वाले, बिल्कुल देखो तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण दो का वर्ग करने पर, देखो ये हो जाएगा समीकरण दो का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलो वर्ग करते तो क्या मिलेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो y का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, क्या हो चुका y स्क्वायर, बिल्कुल चुपका, ये हो जाएगा सर y स्क्वायर बराबर। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा प्लस, प्लस क्या दिया हुआ है b cos थीटा है, प्लस है ना यहां पर b cos थीटा हो जाएगा, प्लस का b cos थीटा, वर्ग करना है तो दोनों पक्षों का यहां पर वर्ग हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर वाला। यहां पर मुझे दिख गया सर फॉर्मूला, क्या दिख गया सर फॉर्मूला दिख गया, पहले मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देता हूं। देखो चूंकि चूंकि a प्लस b पूरे की घात दो बराबर, इसका क्या होता है चलो बोलो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है सर हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल इसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, बिल्कुल आ जाओ देख लो। चलो तो y बराबर y स्क्वायर बराबर, y स्क्वायर बराबर, देखो
पहले में क्या था, ए की वैल्यू यहां पर ए साइन थीटा है, फिर प्लस है तो यहां पर भी प्लस है, बी की वैल्यू ये पूरा बी कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है, तो दोनों का वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो चुका सर, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर, प्लस है तो प्लस। फिर क्या था, बी स्क्वायर, ये पूरा बी की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा, दोनों का वर्ग होगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। फिर क्या था, 2ab दो करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो दो को पहले मैंने लिखा a आएगा और ये b भी आता, तो दोनों को मैंने पहले लिख लिया, 2ab हो चुका। उसके बाद क्या था, यहां पर साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा दोनों गुणा में हो जाएंगे, ये हो जाएगा सर साइन थीटा इंटू हो चुका ये कॉस थीटा। चलो इसको बिना किसी देरी के दे दो समीकरण नंबर चार, क्या दे दो, समीकरण नंबर चार दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीन और ये समीकरण चार दोनों को जोड़ देंगे, तो जो हमें सिद्ध करना ना उसका हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, देख लो। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले, इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, देखो, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, समीकरण को जोड़ने वाले हैं, समीकरण तीन धन चार से, समीकरण तीन व चार को हम जोड़ने वाले हैं, तो समीकरण तीन धन चार से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो बिल्कुल। तो LHS के साथ और RHS के साथ जुड़ता या फिर घटता है, तो समीकरण तीन का LHS हमें यहां पर दिया हुआ सर एक से स्क्वायर, ये हो जाएगा एक से स्क्वायर, प्लस करेंगे समीकरण चार का LHS, तो समीकरण चार ये है, इसका LHS ये है, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो जो हमें सिद्ध करना था उसका LHS आ चुका है एक से स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां पर भी हमें मिल चुका एक से स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हम जोड़ेंगे RHS को, तो समीकरण तीन का RHS क्या, ये है a cos square theta, फिर प्लस है क्या, हाँ प्लस है, फिर b square sine square theta, फिर क्या था minus 2ab, फिर क्या था sine theta into cos theta, ये हुआ समीकरण तीन का RHS। इसमें हम जोड़ेंगे समीकरण चार के RHS को, तो जोड़ना है तो प्लस का मैंने यहां पर लगाया चिन्ह, चलो समीकरण चार का RHS ये है पूरा, तो इसको चिपका देते हैं, ये हो जाएगा a square साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या दिया हुआ सर बोलो, ये दिया हुआ है b square कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या दिया हुआ है टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल हमने दोनों को जोड़कर लिख दिया, बिल्कुल सर, ठीक है। चलो अब देखो क्या कर सकते हैं, यहां से -2ab sin थीटा दिख रहा है और यहां से मुझे प्लस का 2ab sin थीटा into cos थीटा दिख रहा है, दोनों निपट गए सर, बिल्कुल कैंसिल, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों क्या हो चुके सर, कैंसिल हो चुके, तो हमें यहां पर क्या मिला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पहले मैं ए स्क्वायर वाले पदों के काम करूंगा, देखो यहां पर ये ए स्क्वायर वाला, यहां पर भी ये ए स्क्वायर वाला पद दिया गया है, दोनों जगह से मैं ए स्क्वायर को निकाल लूं क्या सर, कॉमन, बिल्कुल निकाल लो, यहां से मैं निकालने कॉमन, देखो ए स्क्वायर को जब हमने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो इस पद को देखो, ए स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो धन के साथ साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, बिल्कुल चिपका दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को कर दो क्लोज। इस पद और इस पद दोनों की कहानी समाप्त हो चुकी है, अब बारी आती सर इसका और ये रहा इसका, इन दोनों की बारी है, तो दोनों में मुझे बी स्क्वायर दिखने वाला, देखो यहां पर भी बी स्क्वायर है और यहां पर भी बी स्क्वायर है, दोनों जगह से बी स्क्वायर वापस से कॉमन निकालो, कॉमन बी स्क्वायर को हमने निकाल लिया कॉमन, जब बी स्क्वायर को कॉमन निकाले तो अभी भी क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। यहां पर जब हमने बी स्क्वायर को कॉमन निकाला है तो प्लस के साथ में क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, चिपका दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो इतने देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला याद आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर ये होता है एक, क्या होता है सर, ये होता है एक, बिल्कुल इस सूत्र को हम यहां पर पहले लिख देना चाहेंगे, देखो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है एक, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको याद रखना है। चलो आ जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने भी कोई चेंज नहीं किया, इसको कुछ चेंज करना भी नहीं है क्योंकि जो हमें सिद्ध करना उसका एक पक्ष आ चुका है। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर इसका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, एक होता है सर, क्या होता है, एक होता है। अब एक का गुणा करूंगा मैं ए स्क्वायर के साथ, तो ए स्क्वायर ही मिलने वाला है ना, बिल्कुल। फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखो यहां पर बी स्क्वायर को मैंने उतारा, बी स्क्वायर को मैंने उतारा, देखो फिर यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। एक का गुणा करूंगा मैं बी स्क्वायर के साथ, तो बी स्क्वायर ही मिलेगा ना, तो एक से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल चुका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए हमें क्या सिद्ध करना था, एक से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्रूफ करना था, और यहां पर हमने प्रूफ भी कर दिया है। यही सिद्ध, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी, छह नंबर के लिए पूछा गया था 2017 सेट ए बी में। कहां कहां कठिन लगा त्रिकोण मुझे बताओ, मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया, इतना इजी लैंग्वेज पढ़ा दिया है कि कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाली है। इतना इजी है हमारा त्रिकोणमितीय अध्याय, बहुत ही सरल है, बोनस नंबर आपका। चलो तो हमने प्रूफ कर दिया है, अब लास्ट लाइन हम यहां पर लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, बस इतना। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो कि छह नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अध्याय है ये जो है खत्म हो चुका, त्रिकोणमिति जो हमारा अध्याय है ये हमारा खत्म हो चुका। हमने अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एकदम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात की है। मैं मानता हूं बच्चों मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ाया हुआ हूं, लेकिन हम अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, तो हर एक चीज को एकदम मैं आपको डीपली नहीं पढ़ा सकता। अगर आपको लगता कि सर हमारा एकदम बेसिक कमजोर हो चुका है, तो आप जाइए एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैं आपके कक्षा दसवीं के सारे पाठ्यक्रम एकदम क्रम से पढ़ाया हुआ है, एकदम टॉपिक वाइज हम पढ़ाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिलता है नोट्स के रूप में पढ़ने के लिए, साथ ही साथ आपको माइंड मैप मिलता है और भी बाकी चीजें भी दी जाती है वहां पर, आप जाकर बिल्कुल उसका फायदा ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा ये जो अध्याय नौ है, अध्याय नौ भी आज कंप्लीट होता है, हमने इसको पांच पार्ट में कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा लंबा गया क्योंकि ज्यादा अंक क्वेश्चन जो है इसी अध्याय से भी तो आते हैं ना, तो थोड़ा सा ये लंबा गया, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई को नहीं देखना, पांचों पार्ट को अच्छे से करना है और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे अपने अध्याय 10 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।